बच्चों आज पी ब्लॉक यूनिट में हम लोग कंप्लीट करेंगे पोजीशन ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तृतीय वर्ग के तत्वों की स्थिति की विवेचना, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स की पोजीशन और डिस्कस करेंगे इनके केमिकल बिहेवियर का। बिकॉज प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझा, किस प्रकार की वैलेंसी यानी संयोगता प्रदर्शित करते हैं इसको समझ पाए, और ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 कैसे प्रदर्शित करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स, जबकि उनका एटॉमिक रेडियस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करता है क्योंकि परमाणु क्रमांक भी एलिमेंट्स के इंक्रीज कर जाते हैं। उनका इलेक्ट्रो नेचर क्या था यानी वैद्युत प्रकृति कैसी थी, तो वो ट्रिपल पॉजिटिव आयन मीन्स कैटायन फॉर्मेशन की क्षमता वाले ये तत्व होते हैं। आज डिस्कस करेंगे आपसे इनके केमिकल बिहेवियर का या रासायनिक प्रकृति का। इस थर्ड वर्ग में बोरान और एल्यूमिनियम सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। जैसा हम जान पाते हैं कि इस वर्ग के मुख्य तत्वों में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आते हैं। और रिएक्टिविटी का डिस्कशन करें तो बोरान और एल्यूमिनियम की रासायनिक क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है और एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मेटल है, यानी इसकी उपस्थिति या उपलब्धता के आधार पर अगर क्लासिफाइड करें तो ये सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु है और इसको एज अ गुड कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाता है। अब जब डिस्कस करते हैं यहाँ इनके केमिकल बिहेवियर का, तो सबसे पहले इनका एसिड रिएक्टिविटी कैसा है इसके केमिकल रिएक्शन समझते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स अम्लों से क्रियाशीलता, और एसिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो लाइक एज अ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, लाइक एज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, लाइक एज अ नाइट्रिक एसिड HNO3, लाइक एज अ एसिटिक एसिड CH3COOH। ये कुछ ऐसे प्रमुख अम्ल हैं जिनके रासायनिक अभिक्रियाएं ये तत्व प्रदर्शित करते हैं। So, अम्लों के साथ बिहेवियर करें मेटल्स का, तो हम जानते हैं कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, तो ठीक उसी प्रकार से ये मेटल्स भी एसिड से रिएक्टेबल हैं और अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो आइए सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस करते हैं और फिर अगले एसिड्स। फॉर एल्यूमिनियम Al react with H2SO4 to form Al2SO4 का whole taken 3 plus hydrogen gas H2। बच्चों जब सल्फ्यूरिक एसिड से इसका रिएक्ट कराते हैं रिएक्शन विद H2SO4, देन एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम सल्फेट साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहां चूंकि Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन लगा है, 3 यूनिट का प्लस चार्ज है, और सल्फेट को ब्रेक करेंगे तो आयनाइज होगा SO4-, देन अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ देयर वैलेंसी इसका 2 होगा और इसका 3 होगा और
सो टू वैलेंसी एयर को और थ्री सल्फेट के लिए, देन फार्मूला होगा Al2SO4 का वोल्टेज है। इस तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। सो यहां Al2 है इसलिए ट्वाइस कर लेंगे और सल्फेट का वोल्टेज 3 के लिए यहां 3 कर लेंगे, देन हाइड्रोजन 3 करके इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। नाउ रिएक्शन विल गो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिएक्ट कराते हैं बोरान का और एल्यूमिनियम का, सो B+ HCl, देन इट मेक्स BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड एंड रिलीज हाइड्रोजन H2। हियर 2, 2, 6 and 3 फॉर बैलेंसिंग प्रोसेस। तो जब बोरान की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो बोरान ट्राइक्लोराइड बनता है। सेम इसका डिकंजुगेशन देखा है, फार्मूला बनाने का पैटर्न क्या होगा, बिकॉज बोरान 3+ यूनिट वाला आयन है और जब 3+ यूनिट का आयन होगा तो Cl के साथ कंजुगेट करेगा, Cl सिंगल माइनस होता है, इसका वैलेंसी बन बोरान के लिए 3, इंटरचेंज कराएंगे वैलेंसी का देन BCl, बोरान ट्राइक्लोराइड होगा इसका फॉर्मूला। एंड देन रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम से, सो Al+HCl, एल्यूमिनियम की क्रिया जब HCl से कराते हैं तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड देता है AlCl3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है H2 फॉर बैलेंसिंग। ट्वाइस एंड 6 एंड 3। तो इस तरह बच्चों कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं थर्ड ग्रुप के वे इन अम्लों से क्रिया करके उस एसिड का साल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब चलते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ रिएक्शन समझते हैं। रिएक्शन के थ्रू नाइट्रिक एसिड HNO3 बोरान रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 टू फॉर्म बोरान नाइट्रेट BNO3 का होल डिटेन 3 एंड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस फॉर बैलेंसिंग। वी यूज 2, 2, 6 एंड 3 फॉर द केस ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम धातु के लिए जब एल्यूमिनियम धातु की क्रिया नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो ये साल्ट प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट AlNO3 का होल टेकन 3 और प्लस H2 और सेम बैलेंस कर देंगे ट्वाइस, 6 एंड 3। तो बच्चों इस तरह से केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि कैसे थर्ड ए ग्रुप की मुख्य धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके साल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि थर्ड ए ग्रुप में उपस्थित धातुओं में बोरान और एल्यूमिनियम इनकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। बोरान और एल्यूमिनियम रासायनिक क्रियाशीलता की दृष्टि से
सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुआ आपका यहां से कि आवर्त सारणी में तृतीय समूह थर्ड ए वर्ग के तत्वों की स्थिति की विवेचना। अब इंटर करते हैं इस चैप्टर के कंपाउंड्स के लिए, तो डिस्कशन करते हैं इसकी समरी का कि बोरान और एल्यूमिनियम में कौन कौन से यौगिक हैं जो हमें यहां इस यूनिट में स्टडी करना है। फर्स्ट एलिमेंट है इसका बोरान, और बोरान के लिए जब इसके कंपाउंड पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण यौगिकों में बोरिक एसिड, जबकि सब कंपाउंड के रूप में बोरिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन भी पड़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं बोरान के जिनका स्टडी करेंगे, और देन फॉर एल्यूमिनियम जब एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स का स्टडी करेंगे तो एक तो यहाँ कुछ मेटलर्जी का पार्ट भी है जिसका जनरल इंट्रो मिलेगा कि एल्यूमिनियम का प्योरिफिकेशन करके करने के लिए एल्यूमिना का प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं और बॉक्साइट द्वारा कैसे एल्यूमिना प्रोड्यूस करते हैं, उसका बेयर विधि, हाल विधि और सल्फेट विधि, उसका प्रोसेस है कुछ। हालांकि एल्यूमिनियम का ये जो मेटलर्जी का पार्ट ही है नेक्स्ट लेवल से मिलेगा, बट कंपाउंड में चले तो जैसे एल्यूमिना का नाम लिया तो Al2O3 प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिना, इसके मेथड्स और इसके रिएक्शंस होंगे। एक तरह से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो रही है, तो कौन कौन से मेथड्स हैं और ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। देन इसके बाद एल्यूमिनियम का क्लोराइड फार्मूला होगा AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो बच्चों इनका प्रिपरेशन मेथड्स होगा इन कंपाउंड्स का, यानी निर्माण की विधियां, इनके केमिकल रिएक्शंस, और देन केमिकल रिएक्शंस के बाद निर्माण की विधियां, और ये मेथड्स यहां केवल केमिकल रिएक्शंस के ही रूप में होंगे। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, और देन लास्ट करेंगे इनका यूजेस। इन दो बोरान और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स के साथ, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कशन करूंगा बोरान के कॉमन कमेंट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, या जो उनके विशेष लक्षण हैं, बोरान की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में,
और फिर बोरान के एक एक यौगिक का फॉर्मेशन, उसके प्रॉपर्टीज और यूजेस का स्टडी करेंगे।